हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? जहाँ तक उम्मीद है कि आप लोग अच्छे ही होंगे, और जहाँ भी होंगे आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड, अच्छा खासा लेटा था, अभी ड्यूटी से आया था। ये मैडम भी जो है ना, बहुत बड़ी कलाकार है, क्या करें, इतना साथ में सुबह से घूमी है, उसके बाद में भी ये परेशान करने को जानती है। अभी इसका पंखा ख़राब हो गया है, अब कौन सा पंखा है चलते हैं देखते हैं। उधर है गाड़ी, और ये कैसा है यहाँ पे, धूप कितनी तगड़ी है, बहुत तगड़ा धूप है। तो वो बोल रही है बनवाने के लिए, लेके जाने के लिए। और देखिए, हम भी पेड़ है जो है ना, ये छोटा छोटा, इसके नीचे खड़ा हूँ, क्योंकि बहुत धूप में मैं नहीं खड़ा हूँ, क्योंकि बहुत काफ़ी यहाँ का धूप बहुत तगड़ा लगता है। जो एक ना जैसे लगता है ना, आग जल रहा है, उसका हवा आ रहा है ऐसा। तो चलिए फ्रेंड, आप लोग बने रहें वीडियो में, देखते हैं क्या करना है, उनका भी प्रॉब्लम सुन लिया जाए, क्योंकि गर्मी है, नहीं तो मर जाएंगी। तो फ्रेंड ये है, देखिए दरवाजे पे रखी है पंखा। और मैडम भी क्या है यार, कलाकार है ये भी। इधर गाड़ी है, अब चलते हैं, इसको रखते हैं। ये भी ये पंखा बनवाएगी गर्मी में भी, परेशान करने के लिए, बहुत परेशान करने के लिए, जानती है और कुछ नहीं। इस समय इतना काफ़ी गर्मी है ना, इतना काफ़ी धूप है बाहर, मैं देखा तो देखिए काफ़ी धूप है, इतना काफ़ी धूप है कि एकदम हालत ख़राब है। और मेरी जो मैडम है ना, मैडम या बोलो कपिल बोलो बुढ़ा, बातें की है, इतना गर्मी में भी वो लोग रात को, हमको लगता है अभी भी वो लोग पंखा चला के लगता है सोते हैं। तो वो अभी मैडम ने फोन किया, और उसने बोला मैं दरवाजे पे एक सामान रखा हूँ, उसको लेके जाओ, दे देना बनाने के लिए, बना देगा तो लेते आइएगा, नहीं तो फिर छोड़ के आइएगा। तो मैं उसको बोला ठीक है, रख दो, मैं आता हूँ। तो फ्रेंड अब लिया हूँ, और आप लोगों को मैं वीडियो में दिखाया भी क्या है। तो वो जो मरोहा होता है ना यहाँ पे, उसको मरोहा बोलते हैं, वो जो टेबल पंखा होता है, टेबल नहीं है, उसको फराटा भी गांव में ऐसे ही कुछ बोलते हैं। तो वो हो गया है खराब, बुढ़ी को आ नहीं रही है नींद, यानी मैडम को, वो परेशान थी, रात को ही मेरे को फ़ोन की थी। लेकिन रात को कहाँ, 11 बजे दुकान खुलता है, सब बंद हो जाता है, सब लोग सुपरमार्केट खुले रहते हैं, सब बकाला हुआ ये सब सुपरमार्केट, जैसे दुकान किराना का दुकान ये सब खुला रहता है, खाने पीने का, लेकिन ये सब कहाँ खुला रहता है, ये सब भी बेचारे 8 घंटा 10 घंटा ड्यूटी करते हैं, उसके बाद में बंद करके तो टाइम से जाएंगे ही जाएंगे। तो फ्रेंड हम निकल गए हैं अभी इस समय, हम आप लोग देख सकते हैं, और हम चल रहे हैं उसी दुकान पे, देखते हैं वो भाई क्या बताता है। और मैं पंखा को लिया हूँ, तो मैं अंदर ही अंदर जा रहा हूँ, इधर ही पास में निकल जाऊँगा, इधर ही दुकान है, नज़दीक में ही दुकान है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो हम चल रहे हैं अभी, क्योंकि अभी इस समय तो खोला होना चाहिए दुकान, क्योंकि दोपहर का टाइम है, अभी चलने के बाद में मालूम चल जाएगा खुला है कि नहीं। ये गली गली है, ये गली गली करके मैं जा रहा हूँ। और उसने बोली कि बनवा कर लेके आना, मैं उसको बोल दिया सीधा बनेगा तो लेके आएंगे बनवा के, नहीं तो बोल रही है कि कितना गर्मी है। मैं बोला गर्मी है तो क्या हुआ, बस ये हम जैसे लेके जाएंगे तुरंत तो बना नहीं देगा ना, उसके अलावा भी और भी काम होगा ना बेचारे को।
क्योंकि यहाँ पे एक काम पकड़े रहते हैं वो लोग, तो जब तक वो फाइनल नहीं कर लेते हैं तब तक दूसरा काम को जल्द हाथ नहीं लगाते हैं। तो देखते हैं, पाकिस्तान के हैं भाई लोग, बना देंगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी, नहीं तो मरे गर्मी में वो, मरे हम क्या करें, एसी है एसी में रहे ना, पंखा की क्या जरूरत है जब घर में एसी है। तो पता नहीं ये लोग के घर में एसी रहता है उसके बाद में भी पंखा का शौकीन रहते हैं, पता नहीं, उससे बोलते हैं कि ये पंखा का हवा बहुत अच्छा रहता है। हाँ एक चीज है, पंखा के हवा से शरीर जो है बदन दर्द नहीं करता, ये बात सही है। देखते हैं, अभी हम निकलने वाले हैं मेन रोड पे, इधर ही जस्ट पास में ही दुकान है, उधर ही उधर दुकान है, तो अभी हम बस निकलने वाले ही हैं, मेन रोड पे आ गए हैं, और इधर ही कॉर्नर पे दुकान है, वो देखिए वो कॉर्नर पे दुकान दिख रही है ना, इधर ही है। तो चलिए आप सभी बने रहें वीडियो में। तो फ्रेंड इधर जो सामने दिख रही है ना, यही दुकान है, अब चलते हैं, भाई को देते हैं, वो क्या बोलते हैं। आप सभी बने रहें वीडियो में शुरू से लास्ट तक। यदि आप लोग मेरे चैनल पे न्यू होंगे तो प्लीज चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो फ्रेंड अभी हम उसको दे दिए हैं, पंखा को हम दे दिया, उसने बोला कि 5 बजे आओ, टाइम 5 बजे का दिया है, देखते हैं 5 बजे फिर एक बार आएंगे, बोला है वो भी, बोला है आदमी खाली रहेगा तो 5 बजे बना देगा। वो एसी खोल के बेचारा बैठा है, हम क्यों वो वीडियो क्यों नहीं दिखाएं। एक बार हम वीडियो एक बनाए थे मालूम है, गाड़ी जो है एक बार लड़ा हुआ था, हम उसका वीडियो बनाए थे, तो वो सब उसमें सब ये सब सारा सब सामान रहता है ना अजीब अजीब प्रकार का, इसके लिए हम वो क्लिप नहीं बनाए वहाँ का, क्योंकि एक बार वो वीडियो से मेरे को परेशानी हुआ था मेरे चैनल पे बहुत पहले, उसी चैनल से मेरा उसी वही जो वीडियो बनाए थे ना छोटा सा ही, उससे मेरे चैनल पे दिक्कत हुआ था, तो चैनल मोनेटाइज नहीं हो रहा था, इसके वजह से हम वो क्लिप नहीं दिखाए। शुरू में तो हम आप लोगों को दिखाया ही मैं क्या लिया हूँ, और दुकान भी मैं दिखा दिया, और ये देखिए शाम को इसमें इतना भीड़ होता है, अभी इस समय देखिए पूरा खाली खाली है, ये जो पार्क है इस समय पूरा खाली है, शाम को सही में इतना भीड़ होता है बहुत काफ़ी, और ये पार्क जो है ना बहुत बड़ा है, घर के पास में ही है। इधर पूरा ये सब, इधर सब पूरा ये घर ही है, यानी जस्ट ये गांव एक घर है पूरा, उसके बीच में पार्क है। तो फ्रेंड इसके वजह से ना कोई कोई चीज ऐसा होता है ना जो वीडियो में नहीं दिखाया जाता है, ताकि उस छोटी छोटी गलती से प्रॉब्लम होता है, तो इसके लिए वो सब रेंज फेंच क्या क्या रखे रहते हैं बहुत सब, यही सब प्रॉब्लम है और कोई बात नहीं है। तो एक बार झटका लगा हुआ है, इसके लिए बराबर दिमाग काम करता है। तो फ्रेंड हम वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे, देखिए मैं गला हूँ दे के भी आ गया, देखिए उस सामने मस्जिद है, उसके पीछे घर है, ऊपर जो दिख रहा है ना पीछे घर है, मैं आप लोगों को और आगे चल के दिखाता हूँ। ये देखिए ठीक सामने ये घर दिख रहा है, अभी मैं देख के आ गया क्योंकि वो नज़दीक था ना, देखिए सामने एक घर है, जस्ट इधर मस्जिद है, इसके बाद इधर घर है, देखिए। तो फ्रेंड अभी हम आ गए हैं, वीडियो यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज आप लोग लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।